मंजरी पहुंची एयरपोर्ट और क्यों गिड़गिड़ाई है अक्षरा के सामने। जी हाँ, ये रिश्ता क्या कहलाता है कि आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि मंजरी आखिर टूट ही गई और वो अक्षरा से करने वाली है बड़ी गुजारिश। क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको हमारे चैनल टेली एक्सप्रेस में। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। ये रिश्ता क्या कहलाता है कि आने वाले एपिसोड काफ़ी ज़्यादा ट्विस्ट भरे होने वाले हैं, जहां एक और अभिमन्यु के सामने आ गया है अभीर का सच। लेकिन सच आने के बावजूद अभिमन्यु नहीं रोक पा रहा है अपने बेटे अभीर को यूएस जाने से। जी हां, अक्षरा ने तय किया है कि वो अभीर का इलाज करवाएगी यूएस में, जिसके कारण वो अभिनव और अभीर जा रहे हैं यूएस। अभिमन्यु के काफ़ी कोशिशों के बाद भी अभिमन्यु नहीं रोक पाया अक्षरा को यूएस जाने से। लेकिन इसके बाद जब ये बात पता चलने वाली है मंजरी को कि अभीर उसका पोता है, तो फिर मंजरी नहीं रोक पाएगी खुद को और उठाएगी बड़ा कदम। मंजरी सीधा भागते हुए जाने वाली है एयरपोर्ट और वहां पर करने वाली है अक्षरा से एक बड़ी गुजारिश। जी हाँ, मंजरी रो देती है अक्षरा के सामने और गिड़गिड़ाने लगती है कि तुम मेरे पोते को मुझसे दूर मत ले जाओ, अभिमन्यु उससे बहुत ज़्यादा अटैच है, मैंने ऑलरेडी अपना एक बेटा खो चुका है और मैं अपने पोते को नहीं खोना चाहती हूँ। शायद यही कारण है कि अभिमन्यु अभीर से इतना अटैच है, क्यों अभीर ही अभिमन्यु का असली बेटा है। मैंने तुमसे जो कुछ भी कहा वो सब प्लीज़ भूल जाओ, मुझे माफ़ कर दो, पर इतना बड़ा कदम मत उठाओ, क्योंकि मंजरी जानती है अभीर बीमार है और अगर वो दूर एक बार चला गया तो शायद फिर वो कभी वापस ना आए मंजरी के पास, और मंजरी अपने पोते को नहीं खोना चाहती है। जी हाँ, ये सब कह के काफ़ी ज़्यादा इमोशनल सीन होने वाला है और मंजरी रो बैठेगी अक्षरा के सामने। अब क्या अक्षरा मानेगी मंजरी की बात और रुक जाएगी, या फिर वो नहीं सुनने वाली है किसी की और सीधा निकल जाएगी यूएस की ओर, ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। कैसी लगती है आपको ये रिश्ता क्या कहलाता है की स्टोरी, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।